हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। दोस्तों, आज हम बनाएंगे क्रिसमस प्लम केक, जिसमें खूब ढेर सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। दोस्तों, यह केक क्रिसमस के समय में बनाया जा सकता है और ये सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ हमने कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। ये हमने लिया है काजू, अखरोट, खजूर, ये किशमिश है, और यहाँ हमने लिया है बादाम और अंजीर। अब हम इन सभी को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रख लेंगे। यहाँ देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी, रेड और ग्रीन कलर में। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसे डाल सकते हैं। और फिर हम डालेंगे इसमें ऑरेंज कलर का भी टूटी फ्रूटी। और यहाँ हमने ले लिया है ऑरेंज जूस। आप बाज़ार से कोई भी ऑरेंज जूस ले सकते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव हो। बस आप ध्यान रखें कि इसमें ताज़ा ऑरेंज जूस आप नहीं डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसे आप 2-3 दिन के लिए भिंगा कर रख सकते हैं, लेकिन हमने केवल 24 घंटे के लिए इसे भिंगाया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर पे आसानी से मिल जाए या फिर आसपास के बाज़ार में मिल जाता है तो आप उसे डाल दीजिए। और यहाँ हम इसे 24 घंटे के लिए भिंगा कर रख देंगे। तो चलिए अब हम केक बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर पैन रख देंगे और फिर इसे हम गर्म होने देंगे। जब पैन गरम हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और फिर इसे हम इस तरह से फैला लेंगे। और देखिए, ये कुछ देर के बाद ही इस तरह से पिघलने लगेगा। फिर हम इसको चला देंगे। हमें इसका कैरमल बनाना है, इससे केक में अच्छा फ्लेवर भी आता है और अच्छा कलर भी आता है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर हो जाएगा। इस समय आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखिएगा, अगर तेज कर देंगे तो फिर ये जलने लगेगा और फिर इसका स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आप पानी बिल्कुल ध्यान से डालें, इसमें बहुत छींटा पड़ता है। और फिर ये जो दिख रहा है इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, ये इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे अच्छे से। अब देखिए, इसमें अच्छे से एक बॉयल आ गया है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर हम इसी गैस पे एक बड़ा बर्तन रख देंगे प्री हीट होने के लिए, इसी में हम केक को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और फिर हम इसको इस तरह से ढककर रख देंगे। चलिए अब हम केक का बैटर बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने एक छोटा बर्तन ले लिया है और ये देखिए, ये हाफ कप है। इसमें आपको दिख रहा होगा, यानी कि 120 ml। इसी से हम मेजरमेंट करेंगे और इसी कप से हमने ले लिया है 2 बार मैदा, यानी कि 1 कप मैदा। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। और यहाँ हमने दालचीनी का पाउडर लिया है, इसे हमने घर पे ही पीस लिया है। आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और जितना हम बेकिंग पाउडर लेंगे उसका आधा हम बेकिंग सोडा ले लेंगे इसमें। और फिर हम इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। चलिए, अब ये तो मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और एक दूसरा बर्तन ले लेते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। याद रखें, इसमें आप कोई भी महकने वाला तेल ना लें, जैसे कि सरसों का तेल तो आप बिल्कुल भी ना लें।
उससे केक ख़राब हो जाएगा और उसका स्वाद भी बिल्कुल बदल जाएगा। और फिर हम इसी स्पून से एक स्पून मिल्क मेड ले लेंगे, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। और यहाँ हम एक चम्मच शुगर सिरप ले लेंगे जो हमने कैरमलाइज किया था, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। ये केक बनाने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सामान आपके घर में उपलब्ध हो आप उसी से बना सकते हैं। और यहाँ हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं। इसे हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने ले लिया है एक कप दूध, इसे हम ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। इस दूध को हमने पकाकर ठंडा कर लिया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है ये। यहाँ देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें प्रीमिक्स को डालेंगे जो हमने पहले ही बना लिया था। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स हमने एक दिन पहले ही भिंगा कर रखा था वो अब अच्छी तरह से इसमें सोक हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स को इसमें डालेंगे। ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम पूरा नहीं डालेंगे, इसमें का आधा हिस्सा डालेंगे, अभी ये ज़्यादा है। और चलिए इसे हम एक बार और मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के लिए आप इस स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर है ये। और यहाँ जो हमने दूध लिया था वो आधे से भी कम लगा है, ये देखिए। अब हम इसको हटा देते हैं और फिर हम ले लेते हैं मोल्ड, केक बनाने वाला बर्तन। हम इसी में केक को बनाएंगे। तो चलिए हम इसे ग्रीस कर लेते हैं घी से। इसको हम चारों तरफ से घी लगा लेंगे इसके अंदर, और फिर हम इसमें बटर पेपर डालकर इसके ऊपर से भी ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारा केक चिपकेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब हम इसमें बैटर को डाल देते हैं। इसमें बैटर को डालने के बाद इस तरह से हम इसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और इसे हम पूरा नहीं भरेंगे, ये देखिए कुछ स्पेस हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये केक फूलता है। और यहाँ हम ऊपर से कुछ टूटी फ्रूटी डाल देंगे ताकि ये ऊपर से देखने में अच्छा लगे। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल यही डालेंगे। चलिए अब हम इसे पतीले के अंदर डालते हैं जो हमने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसकी जगह पे आप चाहें तो बड़ी कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में बड़ा बर्तन हो। और ये देखिए मेरे पास ये स्टैंड है, इसे हम डाल लेंगे। आप चाहें तो नीचे नमक भी डाल सकते हैं, और एक ही नमक को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम इसे अंदर रख देंगे। बहुत ही सावधानी से आप रखें, नहीं तो हाथ जल सकता है क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है। और फिर हम इसे ढक देंगे। इसे हम 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रखेंगे, उसके बाद लो कर देंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए केक एकदम फूल गया है, कितना अच्छा लग रहा देखने में। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। देखने से तो लग रहा है कि ये पक गया है। यहाँ हमारे पास टूथ प्रिक है, इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब कि केक पक चुका है। इसे बनाने में मुझे पूरे 40 से 45 मिनट लगे हैं। चलिए अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर आया है केक का। इसे हम चाकू से किनारे से इस तरह से हम अलग कर लेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए।
और फिर हम इस पे कोई भी प्लेट या ट्रे रखकर इस तरह से पलट लेंगे और फिर हम इसे दो बार टैप करेंगे ऊपर से। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया है। चलिए अब हम इसे पास से दिखाते हैं। ये देखिए वाव कितना अच्छा केक बना है। आपको देख के ही अंदाज़ा मिल रहा होगा कि कितना अच्छा और कितना टेस्टी केक बना है। चलिए अब हम आपको इसे काट कर दिखाते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। दोस्तों केक बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो से कि हमने कितनी आसानी से और अच्छे से हमने बना लिया है इस केक को। आप भी अपने घर में ऐसे ही केक बनाइए और अपने दोस्तों को मैरी क्रिसमस विश करिए, अपने रिश्तेदारों को घर पे बुलाइए और केक खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।